सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। फाइनली जो है KTM 390 एडवेंचर आर जो है जल्दी ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो नई 390 एडवेंचर आर KTM जो है लाइनअप में जो है सबसे टॉप स्पेसिफिकेशन होने वाली मोटरसाइकिल होने जा रही है। तो इसके स्पेसिफिकेशन से पता चलता है कि ये मशीन जो है ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है, और जो इसमें स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो इस बाइक के लिए काफ़ी होने वाली है ऑफ रोडिंग के लिए। तो नई 390 एडवेंचर में आपको स्टील ट्रेलिस फ्रेम होगा, जिसमें आपको एडजस्टेबल WP USD फोर्क मिलेंगे, और इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन आपको दिया जाएगा। तो इसमें व्हील की अगर बात करें तो इसमें आपको 21 इंच का आपको फ्रंट का व्हील मिलेगा, और 18 इंच का आपको जो इसमें रियर में व्हील देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो है वायर स्पोक रिम है, जो कि ड्यूअल पर्पज ट्यूब टाइप टायर से लेस है, और इसमें आपको बड़े व्हील्स और लंबे सस्पेंशन ट्रैवल के साथ जो है सीट की हाइट आपको जो है 885 mm की देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी सीट की जो हाइट है वो इंडिया में छोटे कद के लोगों के लिए काफ़ी एक परेशानी बन चुकी है, बट KTM को इसको आगे सुधारना चाहिए। इसमें फीचर के बारे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो KTM 390 एडवेंचर में आपको कई सारे फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, S50 TFT डिस्प्ले, और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ जो है नेविगेशन की आपको जो है सिस्टम भी जो देखने को मिलने की वाली है। हमने पहले भी KTM 390 एडवेंचर की टेस्ट बाइक में से एक को क्रूज कंट्रोल के साथ देखा था, तो ये फीचर आपको 390 एडवेंचर आर में भी देखने को मिलेगा, इसकी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। इस बाइक की डिज़ाइन के बारे में आपको मैं बता दूं कि जैसे कि इसमें आपको बड़ी विंड स्क्रीन के साथ साथ जो है लंबी फेयरिंग, LED लाइट्स और बड़ा फ्यूल टैंक, हाई माउंट बीक, और इसमें आपको जो पतला टेल सेक्शन देखने को मिलता है। तो KTM 390 एडवेंचर आर है, इसलिए आपको इसमें KTM आर का जो एक सिंबल देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें आर रंग का आपको ग्राफिक्स मिलता है। बाकी आप इसको बाइक को देख ही सकते हैं, नारंगी कलर में आपको काफ़ी अच्छी इसमें जो कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, जबकि इसके बॉडी पैनल जो है सफ़ेद रंग का आपको मिलता है। इसका जो टैंक है उसका ऊपर ही आपको पूरा आगे से जो इसका टेल सेक्शन है वहाँ तक आपको ब्लैक मिलता है, और इसका जो व्हील है वो आपको पूरे ब्लैक मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इस बाइक के लॉन्चिंग डेट के बारे में अगर देखा जाए तो इसको जल्दी ही 2025 तक या फिर 2024 के लास्ट में इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो अगर आप KTM के फैन हो तो आपको KTM 390 एडवेंचर आर जो है कैसी लगी आप बता सकते हो। तो जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी बाइक और कार के अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहें।